بسم الله الرحمن स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमारी बुक में जो पेज नंबर 152 के ऊपर जो है वो हमें टू साइड बॉक्स दिए हैं हमारी बुक में पेज नंबर 152 के ऊपर दो साइड बॉक्स दिए हुए हैं उसमें हमारे पास एक बार तो हमारे पास उसकी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी डिस्कस की है और दूसरा जो है रोल ऑफ जोसेफ़ लिस्टर जो है वो इंग्लिश साइंटिस्ट सर्जन गुजरा है उसको उसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक पहली एंटीबायोटिक जो है वो हमने पहले पढ़ा कि वो कहाँ से ओब्टेन हुई थी फ्रॉम द फंगस फंगस से हमने ऑबटेन की थी हम कहते हैं कि फंगस से कैसे ऑबटेन हुई थी किसने की थी वो थोड़ा सा हम देखते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास थे सर एलेक्जेंडर फ्लैमेंग कौन थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेग्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑलमोस्ट ट्वेंटी एट 1928 ट्वेंटी एट में जो है वो एंटीबायोटिक फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी इन्होंने ठीक है और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था वो हमारी बुक ने लिखा है 1945 फोर्टी फाइव के अंदर इनको क्या मिला नोबेल प्राइज ठीक है ये बात क्लियर हुई डिस्कवरी एक्चुअली 1928 की बात है अच्छा जी अब कहां से ऑबटेन की नेम ऑफ फंगस उस फंगस का क्या नेम था पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम नोटेटम ये उस फंगस का नेम था पेनिसिलियम नोटेटम ठीक है पेनिसिलियम नोटेटम अब नेम ऑफ एंटीबायोटिक कौन सी एंटीबायोटिक ऑब्टेन की थी दैट वाज पेनिसिलिन दैट वॉज पेनिसिलिन। अब ये कैसे जो है वो वाक़ हुआ एक्चुअली ये स्कॉटिश साइंटिस्ट था माइक्रोबाइलोजिस्ट था माइक्रो ऑर्गेजम्स के ऊपर काम करता था इसने कोई बैक्टीरियल कल्चर ग्रो करवाया हुआ था ठीक है पेट्री डिश के अंदर और हिस्ट्री में यही है नो डाउट no कि कहाँ तक सच बात है ट्रूथ है हमने मैंने तो आलमोस्ट यही सुना तो इसने बैक्टीरियल कल्चर ग्रो करवाया हुआ था और पेट्री डिश में रख के ये चला गया रात के वक़्त उनको ग्रो करवा के उसको ऊपर से कवर करना भूल गया इसका जो कमरा था उसके विंडो की जो आ, मतलब उस ग्लास शीशा था वो खुला रह गया तो शाम को जो है वो कहीं से उड़ती हुई फंगस जो कहते हैं ऑरेंज का जो पीस था या कुछ इस तरह का कहानी है कि उसके ऊपर वो फंगस थी वो फंगस आके जो है वो उस पैट्री डिश के अंदर जहाँ बैक्टीरियल कल्चर की ग्रोथ थी वहाँ गिर गई अब सुबह को जब उसने वो पैट्री डिश देखी तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो किए हुए थे लेकिन एक ख़ास जगह थी जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं किए थे इतनी सी जगह पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं किए थे मतलब जहाँ पे वो फंगस आके गिरी वहाँ पे वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुए उसने देखा कि यार इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस फंगस को इस्तेमाल किया जा सकता है कोई ना कोई तो रोला है कोई ना कोई तो केमिकल ऐसा है इस फंगस के अंदर जो बैक्टीरिया को क्या कर देगा किल कर देगा बैक्टीरिया को किल कर रहा है उसने फिर इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की हालांकि वो इसके ऊपर काम कर ही नहीं रहा था एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई ना उसने फिर इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की और उसने फिर जो उसमें से केमिकल निकाला उस फंगस के नेम के साथ ही उसको नेम दे दिया दैट इज़ द एंटीबायोटिक पेनीसिलीन क्या नेम दिया उसको पेनीसिलीन कहाँ से ऑप्टेन की थी उस फंगस का नाम आपसे पूछा जाता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम पूछा जाता है जिससे हमने एंटीबायोटिक पेनीसिलीन डिस्कवर एक्सट्रैक्ट की दैट वॉज पेनिसिलियम नोटेटम ऑबटेन की किसे हासिल की हमने पेनिसिलियम नोटेटम से नेक्स्ट साइड बॉक्स है हमारे पास जोसेफ लिस्टर के बारे में एक्चुअली जोसेफ लिस्टर जो है ये इंग्लिश सर्जन था कौन था इंग्लिश सर्जन था शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट जोसेफ लिस्टर हो इंट्रोड्यूस सर्जरी राइट द रोल ऑफ जोसेफ लिस्टर इन सर्जरी तो जोसेफ लिस्टर वाज अ इंग्लिश सर्जन एक्चुअली ये सर्जन था इसने क्या किया था फर्स्ट टाइम स्टीराइल सर्जरी स्टीराइल सर्जरी जो है इसने वो डिस्कवर की थी मतलब कि पहले ज़माने में जब भी सर्जरी होती थी पहले तो सर्जरी करते नहीं थे अगर सर्जरी करते थे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते थे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते थे ठीक है अब इन्फेक्शन क्यों हो जाता था क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करते थे उनको बैक्टीरिया वगैरह लगे होते थे वो प्रॉपरली स्टेरलाइज नहीं होते थे वो डिस नहीं हुए होते थे तो इसलिए इसने फर्स्ट हमारे पास जो सर्जरी का कॉन्सेप्ट दिया इसने कहा कि आप स्टीराइल सर्जरी कैसे कर सकते हो बाय यूजिंग कार्बोलिक एसिड बाय यूजिंग कार्बोलिक एसिड तो ये कार्बोलिक एसिड जो है एक्चुअली ये फिनोल है ये क्या है कार्बोलिक एसिड को हम क्या कहते हैं ये फिनोल है ठीक है इस फिनोल को उसने यूज किया और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे क्या थे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उसने क्या किया स्टेरलाइज किया विद फिनोल विद एसिड फिर उसने जो सर्जरी की तो उसके नतीजे में कहते हैं कि मोर देन 80 टू 90 परसेंट जो है वो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन क्या हो गए कम हो गए वरना पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में क्या होता था पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जो होते हैं उनमें एक दो दिन जो है वो पेशेंट को रखा जाता है हॉस्पिटल के अंदर तो उसमें उनको इन्फेक्शन हो जाता था ठीक है और बहुत से लोग उस इन्फेक्शन की वजह से जो है वो फिर उनकी मौत भी वाकई हो जाती थी क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो सवेयर होता चला जाता था तो हम कहते हैं कि इस जोसेफ लिस्टर का हमारे रोल क्या है ही वॉज द फर्स्ट सर्जन हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीराइल सर्जरी सबसे पहले स्टीरायल सर्जरी का कॉन्सेप्ट जोसेफ लिस्टर ने दिया इसने क्या इस्तेमाल किया था कार्बोलिक एसिड किसको इस्तेमाल धोने के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को और स्पेशली साथ में वोंड्स को भी ज़ख्मों को भी इसने कहा था इससे धो लो लेकिन बाद में अब हम इसको फिनोल को यूज़ नहीं करते क्योंकि अब ज़्यादा स्टडी हो गई इसके ऊपर हम कहते हैं कि फिनोल जो है वो हमारी बॉडी के लिए डैमेजिंग है डैमेज करता है हमारे सेल्स को बैक्टीरिया को भी मारता है हमारे नॉर्मल सेल्स को भी नुकसान पहुँचाता है इसलिए अब हम फिनोल को ज़ख्मों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते तो उस वक्त उसने कहा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी और जो जख्म है उसको भी साफ़ करो फिनोल या कार्बोलिक एसिड के साथ तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते मरीज़ जल्दी ठीक हो जाते थे ये बात क्लियर इसी तरह हमारी बुक के 152 टू पेज के ऊपर एक जो है ना वो ब्लू जो है वो लाइंस में इंफॉमेशनस लिखी हुई हैं वो मैं आपको पढ़ देता हूँ उनमें हमारी बुक कहती है थिंग्स टू रिमेंबर कौन कौन सी चीज़ें हमने है. जो है वो रिमेंबर रखनी है मेडिसन्स कैन हेल्प यू फील बेटर ऑब्वियसली जो मेडिसन्स होती हैं वो हम हमारी बॉडी में जो है वो ऐसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं जिनके नतीजे में हमें बीमारी से छुटकारा मिलता है तो वी फील बेटर तो बट इफ द मेडिसन आर टेकन इन करेक्टली अगर हम उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करें उनकी डोज गलत लें फ्रिक्वेंसी एक खानी थी गोली दो खा ली दो खानी थी चार खा ली दिन में एक दफा खानी थी आपने तीन दफा खा ली तो उसकी वजह से आपको जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे वो क्या क्या हो सकता है वो कहते हैं कि आपने जो है वो ख़ास तौर पे प्रिस्क्रिप्शन जो होता है डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची है उसको आपने फॉलो करना है इसके अलावा और क्या करना है जो एक्सपायरी डेट मेडिसिन के ऊपर प्रिंटेड होती है जब भी आप कोई मेडिसिन ख़रीदें या कोई भी खाने पीने की अशिया ख़रीदें तो उनके ऊपर आप उनकी एक्सपायरी चेक कर लीजिएगा इसी तरह हमारे पास वो कहते हैं कि जो ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी हैं वही इस्तेमाल करें अपनी मर्जी से जो है वो आप कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी ड्रग इस्तेमाल ना करें ठीक है अच्छा इसी तरह वो कहते हैं बहुत सी एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ें एंटीबायोटिक्स जिनको स्पेसिफिक डेज़ के लिए जो है वो उनके पीरियड्स होते हैं कि इतने दिन तक जो अगर आप खाओगे तो इन्फेक्शन ठीक होगा बिल्कुल जो है वो बैक्टीरिया की जो है वो डेथ हो जाएगी हम क्या करते हैं मेडिसिन ली दो दिन एंटीबायोटिक खाई ठीक हो गए छोड़ दी हफ़्ते बाद फिर इन्फेक्शन हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस वो बैक्टीरिया उस मेडिसिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इख्तियार कर लेते हैं मुजामत इख्तियार कर लेते हैं तो जब वो बार बार वो मेडिसिन लोगे फिर वो बैक्टीरिया मरेंगे नहीं डीट हो जाएंगे ठीक है इस उससे बचने के लिए जो है इसको और कहते हैं कि आने वाले वक्त में जो मेन हमारे लिए प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट दैट इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फिर वो कहते हैं कि कुछ मेडिसन ऐसी होती हैं जो छोटे बच्चों के लिए जो है वो सूटेबल नहीं होती हम छोटे बच्चों को भी पिला देते हैं इसी तरह कुछ ऐसी मेडिसन हैं जो स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो दूध पीते बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है या सात आठ साल के जिनके दांत वगैरह निकल रहे हों टेट्रासाइक्लिनस के बारे में हम पढ़ेंगे वो हम उन बच्चों को नहीं दे सकते इसी तरह बहुत सी मेडिसन ऐसी हैं जब डॉक्टर कहते हैं हमने इसको दूध के साथ लेना है या नहीं लेना या वाटर के साथ लेना है तो उन इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना चाहिए ठीक है और हमें जो है वो अपनी हेल्थ के ऊपर जो है वो बड़ी तवज्जो देनी चाहिए छोटे बच्चों की पहुँच से हमें दवाइयाँ दूर रखनी चाहिए ऑलवेज कीप द हेल्थ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन सिमिलरली डू नॉट यूज़ द मेडिसिन इफ दर एनी साइन ऑफ टेम्परिंग इन फॉर्म द एंड मैनुफैक्चर ऑफ द मेडिसिन अबाउट इट अगर आप बेटे कोई कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके मेडिसिन के बाद आपको डायरिया हो जाता है या फेंटनेस या कुछ भी मतलब ऐसी फीलिंग्स जो पहले नहीं हो रही थी कोई ऐसी अलामत ज़ाहिर होती है तो बहुत सी मेडिसन ऐसी होती हैं जो एलर्जी काज कर देती हैं तो आप जो है वो फार्मासी से या डॉक्टर से जो है उससे जो है वो रबा करें शुक्रिया थैंक यू अल्लाह हाफिज़